आ गया आ गया फ्री फायर के अंदर दया टॉपाइवेट आ गया तो हेलो गाइस आपसे का स्वागत है मेरे चैनल अंकु

स्पीड ज्यादा हो और 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 मूवमेंट स्पीड कम है लेकिन चले गए मूवमेंट स्पीड कम से कम चला लेंगे वैसे अगर आप सैपर हाथ में लेते हो तो वैसे ही आपकी मूवमेंट स्पीड बहुत कम हो जाती है और इसके साथ आपको डबल नुकसान होने वाला है तो यह गन्स की अच्छी नहीं होगी और गई थाउजेंड डायमीगर कर टॉपअप करने पर आपको ब्लू मिल रहा है टाइम ट्रेवलर्स का तो टाइम ट्रेवलर्स जो इंक्यूबेटर है वो बहुत ही शानदार इंक्यूबेटर है और उसका ब्लू अगर आपको मिलेगा थाउजेंडर टॉप अप करने पर तो आपको ब्लू मिल जाएगा और थाउजेंड डायमंड में फिफ्टी ट्वेंटी डिस्काउंट में अगर आप स्पिन करोगे तो तीन एवोल्यूशन स्टोन भी काफ़ी आसानी से निकल जाएंगे तो आप गई बंडल ले सकते हो लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ लगी गई वो मेरे को लगी है इस एम की गन स्किन तो यहाँ पर हम टॉपअप करेंगे इस तो मैं अपने दूसरे फ़ोन से टॉपअप करने वाला हूँ 1060 का जो कि आठ के अंदर हो जाएगा जी तो अगर आपको आठ लगेंगे तो गई अगर आप खुद पैसा अर्न नहीं करते हो तो मैं आपको टॉपअप करने की सलाह नहीं दूंगा कि आप अपने मम्मी पापा का पैसा वेस्ट करिए अगर आपको कुछ ही है तो आपने मम्मी पापा को न्यू ईयर पे कुछ गिफ्ट करिए और यहाँ पर मैंने टॉपअप कर दिया है कॉन्ग्रेचुलेसन और ब्लू प्रिंट आ चुका है टाइम ट्रैवलर्स। ओके वाव ओपी और क्या आया ये गन स्किन आई है वाओ ओपी और 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 और, और, और। ग्रेनेट की स्किन का है भी? ओके लिखा नहीं हुआ है चलिए चेक करते हैं कि ग्रेनेट की स्किन मिली है या नहीं मिली है तो यहाँ पर हमको बिल्कुल मिली है इस की स्किन ये देख सकते हो गाइस तो ये फटेगी कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पर धुआं सा निकलेगा और फिर ये फट जाएगी जी हाँ गाइस आपने अपनी दोनों आंखों से बिल्कुल सही सुना और मैं आपको बाकी सारी गन स्किन से भी कंपेयर करके दिखा देता हूँ ग्रेनेड की स्किन से तो ये मेरी और ग्रेनेड की स्किन है तो क्या इसका पिंक बैकग्राउंड है और ग्रेनेड की स्किन लेजेंडरी नहीं है ये वाली आप देख सकते हो लेजेंडरी नहीं लिखा आ रहा है तो क्या कोई ग्रेनेड की स्किन लेजेंडरी है या नहीं है वो भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तो कोई भी ग्रेनेड की लेजेंडरी स्किन आई आपको क्या लगता है कि कोई भी ऐसी स्किन होगी ग्रेनेड की जो कि लेजेंडरी होगी तो आप मेरी ग्रेनेड की कलेक्शन भी देख सकते हो गाइस क्या शानदार कलेक्शन है एक से बढ़कर एक ग्रेनेड की स्किन है गई ओ पी ओ पी वाली तो आप सारी गन स्किन देख सकते हो तो कैसे कैसे फट रही गई इस काफ़ी शानदार है और ये वाली कितनी बड़ी गन स्किन है गई ओ मतलब ग्रेनेड स्किन है ग्रेनेड स्किन भी गन में आती है क्या नहीं ग्रेनेड गन में नहीं आता है तो हम ग्रेनेड स्किन को गन स्किन नहीं कह सकते कहीं ऐसा मत बोलिए आप कुछ भी बोलते हो ठीक है अच्छा मैंने बोला क्या ओ फिर तो सॉरी गई मैंने गलती से बोल दिया होगा मुझे लगा आपने बोला है तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता क्या कोई भी लेजेंडी गन स्किन आई है ओ सॉरी लेजेंडी ग्रेनेड स्किन आई है लॉल तो बड़े अफसोस के बाद साथ बताना पड़ेगा कहीं गनीना ने अभी तक गई तीन चार साल हो चुके गनीना को आए हुए एक भी लेजेंडी स्किन ग्रेनेड स्किन नहीं दिया भाई साहब एक तो ये मुँह से गन स्किन ही निकलता है ना लोल कितनी सारी गन स्किन का मैं थक गया हूँ यहाँ पर फोड़ते फोड़ते लेकिन ये गन गन्नेट स्किन खत्म नहीं हो रही है लॉल इतनी सारी ग्रेनेड स्किन ग्रेनेड पे ग्रेनेड गड पे ग्रनेड गड पे ग्रनेड और ये आखिरी ठीक है तो कहीं लेजेंडी किसी पर लिखा आया नहीं लिखा है कमेंट सेक्शन में को जरूर बताइएगा और इसके बाद गई इस एम ए टू बी की पहली स्किन तो पहली स्किन गई ब्लू बैकग्राउंड के साथ आई है तो चले कोई बात नहीं पहली है तो बनता था वैसे पिंक बैकग्राउंड के साथ दे रहे थे तो हम बुरा नहीं मानते और येलो बैकग्राउंड के साथ दे रहे थे तो हम बल्ले बल्ले करते तो ये स्किन भी मुझे नहीं लगता लेजेंडी जिया गई लेजेंडरी नहीं है तो डैमेज और रिलोट स्पीड इसके अंदर ज़्यादा है तो रिलोड स्पीड जाना अच्छी बात है डैमेज ज़्यादा होना अच्छी बात है लेकिन मूवमेंट स्पीड कम हो जाना वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि तो इसको होल्ड करते वक्त तो वैसे भी आपकी मूवमेंट स्पीड कम होती है तो एनिमी आपको आसानी से मार सकती है तो जितना इस स्किन का फायदा होने वाला है और थोड़ा बहुत नुकसान भी होने वाला है इसके बाद ये सब आप देख लीजिए कि इसकी इसके बाद गई अब आप देख लीजिए कि मेरे पास गई ब्लूप्रिंट कितने हो चुके हैं टोटल दो ब्लूप्रिंट हो चुके हैं गईस एक ब्लूप्रिंट तो मैंने एक्सचेंज कर लिया था पिछले इनक्यूबेटर के तीन ब्लूप्रिंट के साथ और इस बार मेरे पास और भी तीन इनक्यूबेटर के ब्लूप्रिंट है तो टोटल तीन वो कर दूंगा मैं तो मेरे पास नए इनक्यूबेटर के गए तीन इनक्यूबे ब्लू हो जाएंगे यहाँ पर टाइम ट्रेवलर्स के एक और ब्लू प्रिंट आ चुके हैं आप गई मेरे को ये वाला बंडल लेने के लिए सिर्फ सात एवलेसन स्टोन चाहिए तीन ब्लू प्रिंट तो हो चुके हैं यहाँ पर आप सामने देख सकते हो मेरे पास और क्या लगता है गाइस कि मेरे को थाउजेंड डायमंड के अंदर सात ब्लू प्रिंट मिल स्टोन मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे मुझे तो गाइस नहीं लगता फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट के अंदर भी मिल पाएंगे जो मेरा पिछली बार लक था वैसे ही लक चला तो शायद मिल भी जाएंगे लेकिन वैसा लक नहीं चला तो काफ़ी मुश्किल होने वाली है और गाइस अभी अभी मैंने टॉपअप किया तो क्या मैं यहाँ पर वेपन ऑयल के अंदर स्पिन भी करने वाला हूँ क्योंकि टॉपअप के बाद चांसेस बढ़ जाती है तो वो चेक करने वाले हैं कि हमारे चांसेस बढ़े या नहीं बढ़े लोल सिल्वर बॉक्स पे सिल्वर बॉक्स निकल रहे हैं इतने बढ़िया है, चांसेस बढ़े हैं लेकिन एक बात ये भी है कि मैंने कोई और ट्रिक यूज़ नहीं कर रहा हूँ एडम ट्रिक यूज़ नहीं कर रहा हूँ अनिकिप ट्रिक यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो उसका भी नुकसान हो रहा है चले कोई बात नहीं अब इतना टाइम नहीं कि उसको यूज़ करे और नहीं ऐसा एडम ट्रिक और एनिकिप ट्रिक यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप उनको यूज़ नहीं करोगे तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है बेशक से आप आठ सौ डायमंड का सॉरी हज़ार डायमंड का टॉपअप क्यों ना मार दो ठीक है तो मेरे को एक एक्सेप्ट करें एक बेकार चीज़ें मिली है इस बार चलिए कोई बात नहीं तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो गाइस काफ़ी शानदार लगी होगी और मजेदार लगी होगी आपको इस बार के टॉपअप रिवॉर्ड कैसे लगेगा मुझे तो ठीक ठाक लगे ठीक है तो अगर आप टॉपअप करना चाहो अगर आप बहुत ही अमीर हो तो कर सकते हो गाइस अगर आप ज़्यादा अमीर नहीं हो तो मम्मी पापा का पैसा वेस्ट मत करेगा ये सिर्फ एक गेम है और गन स्क्रीन में इतनी कुछ खास नहीं है कि आपको एडवांटेज दिला पाएगी ठीक है तो इस वीडियो का इंतर देखने लगे आपके लिए ज़ोरदार क्लैपिंग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गाइस बाय बाय